दिया है यदि a प्लस वन अपन a इज इक्वल टू माइनस थ्री तो a के पावर सिक्स प्लस वन अपन a के पावर सिक्स का मान है। ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जाता है, यहाँ पे जो दिया है a प्लस वन अपन a इज इक्वल टू माइनस थ्री, इसी का हम लोग स्क्वायर कर दें क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू वन अपन ए होता है इज इक्वल टू ए थ्री का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा नाइन। ठीक है, ए ए सी कट गया यानी कि ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू नाइन, नाइन यानी कि आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन, इधर जाके घट जाएगा सेवन हो जाएगा। अब इसका हम कर देते हैं, देखिए हमको पावर सिक्स चाहिए, हमारे पास पावर टू है और इसी का क्यूब कर दें तो पावर सिक्स मिल जाएगा, तो हम इसी का अगेन क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर का होल क्यूब, तो हमको इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, इधर भी कर लेते हैं सेवन का होल क्यूब। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे ये होता है ए क्यूब यानी कि ए के पावर सिक्स प्लस बी क्यूब यानी कि वन अपन ए के पावर सिक्स प्लस थ्री ए बी यानी कि आपका हो जाएगा थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस वन अपन थ्री ए बी होता है ना इंटू और ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी होता है ये वन अपन ए स्क्वायर है। इधर सेवन का क्यूब करेंगे तो सेवन का क्यूब होता है सेवन सेवन या फोर्टी नाइन ना फोर्टी नाइन सेवन थ्री सिक्स थ्री फोर थ्री होता है थ्री फोर थ्री होता है। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर से ये देखिए ये इससे कट गया, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देंगे सेवन। ठीक है, हो जाएगा ए के पावर सिक्स प्लस वन अपन ए के पावर सिक्स प्लस ये थ्री तो हमारा रहना करेगा और इसके जगह पर हम लोग सेवन रख देंगे इंटू सेवन इज इक्वल टू दिस थ्री फोर थ्री सेवन थ्री जब ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन रख के माइनस हो जाएगा ए के पावर सिक्स प्लस वन अपन ए के पावर सिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टू फोर थ्री माइनस ट्वेंटी वन यानी कि ए के पावर सिक्स प्लस वन अपन ए के पावर सिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री टू यानी कि आपका दूसरा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।